जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ब्लॉगिंग का यूज करके बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं आज की डेट में। तो आप भी ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, करना, पोस्ट लिखना, उस पर फोटो इमेज कैसे ऐड करते हैं, पब्लिश कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस सीरीज में बताऊँगा। ये मैंने प्ले लिस्ट बना रहा हूँ कि आप ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं, बड़ी आसानी से, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा आपको, प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा, मतलब साथ साथ, जिससे कि आप आसानी से समझ सको। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने नाम की पहले तो वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जब तक हम वेबसाइट नहीं बनाएंगे, उस पर कुछ पोस्ट नहीं करेंगे, तो एडसेंस या एड्स के जरिए, एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारे तरीके होते हैं मतलब फिर पैसे कमाने के, तो उनके जरिए आप पैसे कैसे कमाओगे। तो यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। आप चाहें तो क्रोम पे जा सकते हैं और क्रोम पे जाकर यहां पर सर्च कर सकते हैं ब्लॉगर। तो यहां पर ये जो पहली साइट आप देख रहे हो, तो ये ब्लॉगिंग के लिए ही है, तो आप इस पर जाकर भी जो है लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन इससे बेटर है कि आप जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर जाइए और यहाँ पर ब्लॉगर सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर, और ये जो है गूगल की एक ऐप है। तो यहाँ पर देखिए 3.9 की रेटिंग है और यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। हालांकि इसमें थोड़ी सी आपको हो सकता है कम फीचर देखने को मिले, वेबसाइट पर देखने को ज़्यादा मिले, लेकिन फिर भी शुरुआत करने के लिए यहाँ पर ये जो है सही है। इसमें आप आसानी से जो है अपनी वेबसाइट क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो एप्लीकेशन है ये स्टार्ट हो चुकी है। इसके जरिए दोस्तों आप आर्टिकल लिखेंगे, पोस्ट लिखेंगे, अब चाहे फिर आप इस पर आपको ऑडियंस लाना है, बेसिकली जितने लोग आपका ब्लॉग जो है वो पढ़ेंगे उतना ज़्यादा मतलब एड्स चलेंगे, एड्स चलेंगे तो आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा। आप चाहे तो एफिलिएट लिंक भी जो है उसमें पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद आपको अपने नाम की जो है वो इस पर साइट बनानी है। तो आप जो भी अच्छा सा जो भी एक ट्रेंडिंग नाम है, सर्चिंग नाम है, और या जिस भी नाम से, यदि आप यूट्यूब पर कोई चैनल है तो उसके रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का ये पहला इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट पेज है, यहाँ पर ब्लॉगर लिखा हुआ है, क्रिएट अ यूनिक ब्लॉग टू पब्लिश योर पैशन योर वे, मतलब आपका जो भी मतलब लिखने का जो भी शौक है वो यहाँ पर आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा ब्लॉगर। अब साइन इन विद गूगल अकाउंट, तो जो भी आपका ये गूगल की साइट है, गूगल की एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर जो है आपको साइन इन करना पड़ेगा गूगल के अकाउंट से। तो यहाँ पर देखिए साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी आपके मोबाइल में जो ईमेल आईडीज हैं वो यहाँ पर खुल के आ जाएंगी, और फिर आप किसी एक से इस पर जो है अकाउंट बना लीजिए, जिस जो भी अकाउंट आप बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद देखिए जब आप इस तरीके से लॉगिन कर लेंगे तो इस तरीके से ये जो है इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ क्रिएट अ ब्लॉग लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ये तीन स्टेप जो हैं यहाँ पर हैं, चूज अ नेम फॉर यूर ब्लॉग, मतलब दिस इज़ द टाइटल दैट विल बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ यूर ब्लॉग, मतलब यहाँ पर जो है ब्लॉग का नाम रहेगा, जो भी आपका जो भी आप नाम रखना चाहते हैं ये साइट के टॉप पर, जैसे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ब्लॉगर शो हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर जो है आपकी जो वेबसाइट रहेगी यहाँ पर फ्रंट में उसका जो है वो नाम शो होगा, एक तरीके से आप कह सकते हो लोगो टाइप का। तो यहाँ पर हम अपना नाम डाल देते हैं, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मेरा नाम। आप जो है कुछ भी नाम डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप अपना ही नाम डालें, जो भी जो है सर्चिंग आप जो है नाम डालना चाहते हैं वो यहाँ पर आप नाम डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया है और उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए चूज अ यू आर एल फॉर यूर ब्लॉग, यहाँ पर देखिए आपको जो है आप जैसे कोई भी एक वेबसाइट होती है, तो जैसे www.xyz.com, तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर .com के पहले ब्लॉग स्पॉट बस लिखा रहेगा, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये फ्री रहती है। यदि आपको ये हटाना है तो फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो क्या मतलब इससे लगा रहने देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम ब्लॉग यू आर एल में डाल देते हैं अपना नाम, तो यहाँ पर देखिए ये हमने नाम जो है वो डाल दिया है, तो इस पर स्पेस नहीं रख सकते हैं हम। तो ये अवेलेबिलिटी चेक करेगा, यदि अवेलेबल होगा तो ये आपको जो है साइट का नाम मिल जाएगा, यदि अवेलेबल नहीं होगा तो ये फिर यहाँ पर बता देगा यूआरएल जो है वो अनअवेलेबल है अभी, कोई ट्राई अनदर, कोई भी दूसरा आप यूआरएल ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर मैं YT साथ में जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो YT मतलब यूट्यूब हो गया मेरा। तो यहाँ पर ब्लॉग URL इज अवेलेबल, तो यहाँ पर ये अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं, उसके बाद देखिए चूज यूअर डिस्प्ले नेम, हाउ डू यू वॉन्ट यूअर नेम डिस्प्ले टू रीडर्स ऑफ यूअर ब्लॉग, तो यहाँ पर जो है मेरा नाम यहाँ पर लिख दिया है ताकि ये जो है नाम यहाँ पर जो भी रीडर्स यहाँ पर आएंगे, जो भी ऑडियंस आएगी उसको ये शो करेगा। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं।
और यहाँ पर देखिए दोस्तों इतनी सी बस स्टेप रहती हैं। तो यहाँ पर ही हमारी साइट बन चुकी है। अब इस पर पोस्ट कैसे करना है, आर्टिकल्स कैसे लिखना है, वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। और याद रखिए ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं, तो इसमें मैं आपको अर्निंग प्रूफ भी दिखाऊंगा। जब मैं इससे अभी तो अर्निंग कर नहीं रहा हूँ, लेकिन जब से मैं अर्निंग करने लगूंगा वो प्रूफ भी आपको साथ में साथ दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी पब्लिश्ड है वो यहाँ पर देखेंगे। ड्राफ्ट जो है मतलब जो आप पब्लिश करना चाहते हैं वो है। शेड्यूल आप कर सकते हो, जैसे हम यूट्यूब की वीडियो को शेड्यूल करते हैं कि भाई इतने बजकर इतने मिनट पर जो है अपने आप ये पब्लिश हो जाएगी, वो आप कर सकते हो। कोई आप लिख रहे हो आर्टिकल लेकिन वो आपको जो है नहीं है उसमें, तो यहाँ पर देख सकते हो ये एसवन विश्वकर्मा नाम बता रहा है। और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए व्यू यूअर ब्लॉग, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो है वो साइट पर हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए यशवंत विश्वकर्मा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी। ये जो है नाम जो है मैंने जैसे बताया था आपको कि यहाँ पर डिस्प्ले में शो होगा, तो यहाँ पर ये जो है वो शो कर रहा है। तो इस पर आप पोस्ट कैसे करना है, आपको लिखना क्या है, कैसे है, तो वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेन वाला आइकन बना हुआ है, इसके ज़रिए आप लिख पाएंगे। यहाँ से जो भी आप टाइटल देंगे, जैसे मैं यहाँ पर अभी कुछ भी एक टाइटल दे देता हूँ, यहाँ पर हम जो है कुछ भी एक मैं आपको रैंडम चीज़ लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर लेवल से जो है वो आप कर सकते हैं, और यहाँ पर पब्लिश जो है पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ अभी पब्लिश, और ये दोस्तों जो है पब्लिश हो रही है और ये पब्लिश हो चुका है, पोस्ट ये पब्लिक हो चुकी है। तो आप जैसे यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ व्यू यूअर ब्लॉग पर, तो यहाँ पर जो है ये साइट पर पहुँचेगा और ये देख सकते हो आप ये जो है वो यहाँ पर ये पोस्ट जो है वो डल चुकी है। यहाँ पर और पढ़े पे जाएंगे तो यहाँ पर आप जो भी कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पर शो करेगा। और दोस्तों मैं डिटेल में आपको सिखाऊंगा कि पोस्ट कैसे लिखते हैं, उसमें इमेजेस कैसे ऐड करते हैं, जो है आपको टेक्स्ट लगाने चाहिए, मतलब कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा ज़्यादा ऑडियंस आपके यहाँ पर साइट पर आए। और जो भी दोस्तों आपने साइट बनाई थी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए एड्रेस में ये आप देख सकते हो, ये जैसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यशवंत विश्वकर्मा yt.blogspot.com। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से एक वेबसाइट जो है वो आपकी बन चुकी है। तो ये आपके नाम की दोस्तों एक वेबसाइट बन चुकी है। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है अपने नाम की वेबसाइट बनाना। याद रखिए वो ब्लॉग स्पॉट जो है वो रहता है, यदि आप उसको हटाना चाहते हैं तो फिर पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लगा रहने देते हैं। तो अभी ये गूगल की जो है वो ऑथेंटिक जो है वो साइट है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम ब्लॉग के रिलेटेड और वीडियो बनाएंगे, तो उसके लिए जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर इसके रिलेटेड और वीडियो देख सकते हैं, जैसे पोस्ट कैसे करना है, आर्टिकल कैसे लिखना है, एडसेंस के लिए जो है वो कब आपको अप्लाई करना है ताकि जो है आपको वो रिजेक्ट ना हो, तभी आप कमा पाए। कम से कम आपको 25-30 आपको जो है पोस्ट लिखनी पड़ेगी तभी आपको अप्लाई करना है, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। और इसके रिलेटेड दोस्तों मैं और आपकी जहाँ डिटेल में जानकारी शेयर करूंगा। बाकी दोस्तों हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।